हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन एनी वीडियो। तो हम जो है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर थर्ड है ये, जिसमें हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रेयन जो है, रेयन जो सिंथेटिक फाइबर है उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताया था। आज जो है हम नायलॉन को बनाएंगे और उसके बाद जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए रेयन, रेयन जिसको अपन ने किससे तैयार किया था, वुड पल्प से। किससे? वुड पल्प जो होता है उससे, जो रिजम्बल होता है एकदम सिल्क की तरह दिखाई देता है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ एक बार, तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में रेयन जो है उसका फॉर्मेशन किया था, रेयन। ओके, जो जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि ये देखने में हुबहू सिल्क जैसा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। किससे तैयार किया जाता है इसको? तो इसको तैयार किया जाता है वुड पल्प से। किससे? वुड पल्प से। जो वुड पल्प होता है, लकड़ी का जो बुरादा होता है, उससे जो है तैयार किया जाता है रेयन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसके यूजेस भी हम पढ़ चुके हैं। बेडशीट बनाने में, कारपेट बनाने में इसको यूज किया जाता है। कॉटन के साथ मिक्स करके इसको यूज किया जाता है, वूल के साथ इसको मिक्स करके यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे सेकेंड सिंथेटिक फाइबर जो है वो है नायलॉन। तो देखिए NYLON, न्यूयॉर्क एंड लंदन, न्यूयॉर्क एंड लंदन, यहाँ पर इसका ओरिजिनेशन हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले इसको बनाना शुरू किया था, इस वजह से इसका नाम जो है नायलॉन रखा गया है। नायलॉन को किससे बनाया जाता है? तो नायलॉन जो है वो तैयार किया जाता है एडिपिक एसिड। अच्छा, रेयन किससे बनाया जाता है? वुड पल्प से। नायलॉन किससे बनाया जाता है? एडिपिक एसिड और उसके अंदर हेक्सामेथिलीन, डायमिन। आपको याद रहे तो ठीक, अगर बुक में दे रखा है तो, ये मेरे हिसाब से इस बुक में तो नहीं है, लेकिन कुछ एडवाइजर बुक ऐसी हैं जिनके अंदर ये सब कुछ दे रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नायलॉन को दो केमिकल जो है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो केमिकल से तैयार किए जाते हैं, तो नायलॉन को तैयार किया जाता है एडिपिक एसिड से। ये है एडिपिक एसिड, और हेक्सामेथिलीन डायमिन, हेक्सा मेथिलीन डायमिन। तो याद रखने के लिए ये लीजिए, मैंने इसका हिंदी प्रोनंसिएशन लिख दिया है, आपको आसान हो जाएगा। देखिए नायलॉन सबसे पहले बनने वाला सिंथेटिक फाइबर है। फर्स्टली नायलॉन जो है उसको बनाया गया था, इसको प्रोड्यूस किया गया था, और सबसे खास बात यह है कि नायलॉन जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आइए बुक में क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं पहले। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ये भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है, केमिकल फाइबर है, मतलब केमिकल से तैयार किया गया है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, तो प्योर सिंथेटिक है ये। प्योर सिंथेटिक मतलब इसके बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट काम में नहीं लेते हैं, कोई प्लांट का या एनिमल का प्रोडक्ट काम में नहीं लिया जाता। जैसे रेयन के बारे में जब पढ़ रहे थे तो रेयन में क्या काम में लेते हैं, रेयन को बनाने में वुड पल्प काम में लेते हैं, और आप जानते हो वुड पल्प जो होता है वो नेचुरल होता है, क्योंकि वुड जो है प्लांट से मिलती है हमको, प्लांट नेचुरल है। तो ये क्या बता रहा है कि इसके इसको बनाने के लिए कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल, कोई भी कच्चा नेचुरल प्राकृतिक मटेरियल जो है वो काम में नहीं लेते। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, इसको तैयार किया जाता है कोल, वाटर एंड एयर से तैयार किया जाता है। और मेनली जो केमिकल इसमें यूज होते हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमिन। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला फुल्ली सिंथेटिक मतलब जिसके अंदर कोई भी नेचुरल एलिमेंट, कोई भी नेचुरल मटेरियल जो है नहीं मिक्स किया गया है, प्योरली केमिकल ही है। पूरा का पूरा केमिकल ही है, ऐसा फाइबर जो है वो तैयार किया गया था, पहला ऐसा फाइबर है। नायलॉन फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इलास्टिक, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं।
क्लियर। अगर आप उनको खींचते हो तो ये क्या करते हैं, इलास्टिक होते हैं, ये बढ़ते हैं एंड लाइट, और वजन जो होता है उसमें भी हल्के होते हैं। इट वॉज लस्ट्रस। अब इस फाइबर का प्रॉपर्टी देखिए आप, नायलॉन फाइबर जो है उसका प्रॉपर्टी देखिए, लस्ट्रस होता है, चमकदार एंड ईजी टू वॉश, और उसको धोना जो है बहुत ही आसान है। सिंथेटिक फाइबर का ये सबसे इम्पोर्टेंट एक फायदा होता है कि इनको धोना बहुत आसान होता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कपड़े बनाने के लिए। हालांकि इससे बने हुए कपड़े जो हैं अच्छे नहीं रहते हमारी स्किन के लिए, स्किन इरिटेशन, जलन होती है, ओके, और पहनते भी नहीं है। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको नायलॉन से ही तैयार किया जाता है। जैसे आप जानते हो फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है उनके जो क्लोथ्स होते हैं ऐसे कुछ, ओके। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। तो हम जो है बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स यूज करते हैं जो नायलॉन से बने हैं, सच एज सॉक्स, जैसे कि जुराब, रोप्स, रस्सियाँ, टेंट जो है वो, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट जो होती है कार में वो, स्लीपिंग बैग, ओके, कर्टेंस, पर्दे, ये सब कुछ जो है ये किससे बने होते हैं, नायलॉन से, ओके। नायलॉन इज, चलते हैं आगे, उससे पहले इसी पेज के ऊपर क्वेश्चन है एक, बूझो क्या कहना चाहता है हमसे, तो उसको उसकी जानकारी कर लेते हैं। देखिए, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग डेट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो ये बोल रहा है कि क्या नायलॉन फाइबर वाकई में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनसे जो है पैराशूट बनाए जाते हैं, पैराशूट आप जानते होंगे क्या, और रोप जो रस्सियाँ होती हैं वो बनाए जाते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है, क्या वो वाकई में इतने मौजूद हैं, ओके। ये हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 34 पे, ओके। ये देखिए आप, ये पैराशूट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नायलॉन से बनाते हैं। ये रस्सियां जिस जो क्लाइंबिंग के लिए काम में ली जा रही है, ये भी किससे, नायलॉन से, बिकॉज नायलॉन इज टू स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा मजबूत होता है नायलॉन फाइबर। ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट, इसको पैराशूट्स बनाने के लिए, रोप रस्सी जो होती है क्लाइंबिंग उसको बनाने के लिए काम में लेते हैं। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। एक्चुअल में बात करें तो नायलॉन का जो फाइबर होता है, जो धागा होता है, जो रस्सी इससे बनाई जाती है, वो इतना ज़्यादा मजबूत है जितना एक स्टील का वायर जो होता है उससे भी ज़्यादा। स्टील क्या है, एक मेटल है, और मेटल से भी ज़्यादा मजबूत है इसके फाइबर, ओके। देखिए आगे, एक एक्टिविटी दे रखा है और इस एक्टिविटी के थ्रू डिटेल में जानेंगे इसी चीज़ को हम। एक्टिविटी 3.1 है, मैं आपको ऐसे ही पहले इसको बता देता हूँ क्या बता रखा है इस एक्टिविटी के अंदर। देखिए इस एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी जो है इसके अंदर हमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये क्लैंप लगा हुआ है एक यहाँ, ओके, ये स्टैंड लगा हुआ है, ये एक कोई पेन है या कोई डिश है जिसको बांध रखा है। ये देखिए आप, यहाँ पे फाइबर नज़र आ रहा होगा, एक मिनट सॉरी, ओके। ये देखिए, ये क्लैंप लगा हुआ है, ये स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ एक डिश लगी हुई है देखिए, और यहाँ इसको क्या कर रखा है, एक जो धागा है उससे बांध रखा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ओके। और इसके अंदर देखिए कुछ वजन रखा हुआ है, ओके। तो ये एक्टिविटी एक्चुअल में कैसे की गई है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे हमें क्या करना है, जैसे ये क्लैंप जो है ऐसे, ये स्टैंड लगा हुआ है ऐसे, ये क्या है, एक्टिविटी 3.1 है, एक्टिविटी 3.1, ओके, पेज नंबर 34 पे, ओके। तो समझ लेना आप इस चीज़ को, ये स्टैंड लगा हुआ है, ये क्लैंप लगा हुआ है, हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले तो हमें यूज करना है एक कॉटन थ्रेड। क्या यूज करेंगे हम, कॉटन थ्रेड, ओके, मतलब जो कॉटन रुई का जो धागा है वो कपास वाला, उसको यूज करेंगे। और यहाँ पर एक प्लेट लगा हुआ है ऐसा, जिसको बांध रखा है, इस धागे से अच्छे से बांध रखा है, और इसमें हम वजन रखते हैं, ओके। इसमें लगातार जैसे 500 ग्राम्स रख दिया पहले, फिर 1 kg, फिर 2 kg, ऐसे हम देखते हैं कि ये जो कॉटन थ्रेड है कितना वजन जो है उसको टॉलरेट कर पाता है, सहन कर पाता है,
ओके, हमें ये चीज़ जो है इससे टेस्ट करनी है। कॉटन के बाद जैसे हमने रेयॉन फाइबर ले लिया, ओके, रेयॉन फाइबर के साथ इसकी टेस्टिंग करनी है। ओके, फिर जैसे हम आयरन वायर ले लेते हैं, लोहे का तार ले लेते हैं, उसके साथ टेस्टिंग करनी है। तो आप ये देखोगे कि ये सब जो है एक निश्चित एक वजन होगा, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। ओके, क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो एक मतलब जैसे कॉटन जो है, कॉटन का अगर यहाँ पर थ्रेड लेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना वजन सहन कर पाएगा, हाफ के जी, 1 kg, ओके, टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब अगर आप नायलॉन का वायर लेते हो, क्या लेते हो, अगर आप नायलॉन जो है उसका वायर अगर यूज करते हो यहाँ पे, तो आप देखते हो कि ये जितना वजन आप डालोगे ये उसको टॉलरेट कर लेगा, सहन कर लेगा, उसको टूटेगा नहीं ये फाइबर। ओके, जो नायलॉन फाइबर है ये टूटेगा नहीं। ओके, समझ गए आप। तो नायलॉन जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रोंग होता है। ओके, तो देखते हैं आगे, देखिए। ओके, एक पेन उस पर लगा दिया, सो डेट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, ताकि उसमें आप वजन रख दें। एड वेट वन बाय वन टिल द थ्रेड ब्रेक्स, आपको तब तक उसका वजन बढ़ाते जाना है तब तक ये धागा टूट न जाए। कॉटन को लेना है, रेयॉन को लेना है, स्टील वायर को लेना है, आयरन वायर को लेना है, सिल्क को लेना है, वुल ऊन को लेना है। लेकिन आप ये देखेंगे कि उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नायलॉन है। तो आप इस टेबल को जो है फिल कर सकते हो। जैसे कॉटन का लिया, तो कॉटन का जो धागा था वो कितना वजन रखने के बाद टूट गया, वो वजन हमें यहाँ पे रखना है, ये एक्टिविटी हम करके देख सकते हैं। वुल जो ऊन है उस पर कितना वजन हमने रखा कि वो टूट गया। क्लियर, तो एक बार फिर से देखिए आप, ये हमें क्या करना है, देखिए ये रहा वो पेन डिस्क जिसके अंदर हमें वजन रखना है इसके अंदर, और ये धागा जो है यहाँ पे ये चेंज करते रहना है। पहले हमें क्या लेना है, कॉटन का, फिर हमें वूल, फिर सिल्क, फिर नायलॉन। हमें देखना है कि कौन कितना वजन सहन कर पाता है, इसमें वजन बढ़ाते जाएंगे लगातार, क्योंकि इतना बढ़ाते जाएंगे कि हम कोशिश करेंगे कि धागा टूटे, कॉटन का, वूल का, सिल्क का, नायलॉन का। तो ऐसे जो है वायर जो है वो कितना मजबूत है, फाइबर जो है वो कितना मजबूत है, ये चीज़ जो है वो तय करी जाती है इस तरीके से। समझ गए होंगे आप, क्लियर। तो कहीं पर भी इसमें एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमिन के बारे में नहीं दे रखा है, लेकिन कुछ बुक्स में दिया हुआ होता है, तो आप जो है याद कर ही लें, बहुत अच्छी बात भी है अगर आपको याद रहे। तो नेक्स्ट फाइबर पे चलते हैं अपन। तो हमने रेयॉन के बारे में पढ़ लिया, अब जो है हम पढ़ेंगे पोलिएस्टर और एक्रीलिक। ओके, पोलिएस्टर और एक्रीलिक के बारे में। पोलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पोलिएस्टर जो है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली, और इसका सबसे खास बात क्या होता है कि इससे जो फाइबर तैयार किए जाते हैं वो आसानी से रिंकल नहीं होते, मतलब उनमें झुर्रियाँ वगैरह, सिलवटें वगैरह जो है वो नहीं आती। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, ये हमेशा जो है एकदम क्रिस्प रहता है, मतलब आप कितना भी इसको सिकोड़ दें इसमें सिलवटें नहीं आएंगी, हमेशा क्रिस्प रहेगा, एंड ईजी टू वॉश, और इसको धोना भी क्या है बहुत ज़्यादा आसान है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है ड्रेस वगैरह बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पोलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस, और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग जो है पोलिएस्टर से बने हुए शर्ट जो है वो पहनते हैं, और अदर ड्रेसेस जो है वो इसे बने हुए यूज करते हैं। तो ये था पोलिएस्टर। उसके बाद टेरिलिन इज ए पॉपुलर पोलिएस्टर, इसी पोलिएस्टर का एक टाइप है टेरिलिन, क्या है टेरिलिन। ओके, इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स डेट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, तो टेरिलिन जो होता है वो क्या है, एक तरह का पोलिएस्टर है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कपड़े बनाने के लिए, और सबसे बड़ी इसका फीचर क्या है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन, इसको खींचा जा सकता है या इससे तैयार किए जा सकते हैं। ओके, इससे फाइबर जो है वो तैयार किए जा सकते हैं, और वो फाइबर जो है जैसे दूसरे कपड़े जो हैं उनके धागे, सॉरी दूसरे फाइबर जो उनसे धागे बनाए जाते हैं और उनसे कपड़े बनाए जाते हैं, वैसे ही टेरिलिन जो है उसको भी यूज किया जा सकता है। अब देखिए आगे ये क्या कहना चाहती है। पहली, माई मदर ऑलवेज बाइज PET बॉटल्स एंड PET जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, वंडर वॉट PET इज, तो ये बोलती है कि इसकी जो माताजी हैं वो PET बॉटल्स खरीदती हैं, क्या है हम जानेंगे अभी, PET के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। PET बॉटल्स खरीदती हैं, PET जार, ओके, मतलब चीज़ें रखने के लिए जार जो है वो खरीदती है। ओके, तो क्या है ये PET, देखिए क्या है, पॉलीथिल पॉली इथिलीन है ये वर्ड। ओके, तो इसमें
ऐसे ही है। ओके, पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट क्या है? पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट, ओके, पीईटी का फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट। ओके, इसे मैं आपको लिख कर दे देता हूँ ताकि आसान हो जाए। पॉली एथिलीन टेरेप्थैलिक, ओके, नोट कर लीजिएगा, इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पोलिएस्टर। ये भी पीईटी क्या है, ये भी एक पोलिएस्टर का, जैसे टेरिलिन पोलिएस्टर का एक टाइप है, वैसे ही पीईटी क्या है, ये भी एक पोलिएस्टर का ही टाइप है। ओके, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, जिसको यूज किया जाता है बोटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में, फिल्म्स, ओके, वायर्स एंड फिल्म मतलब समझ गए ना आप, कवर बनाने में, ओके, प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है ना, बहुत सारे जैसे अपन रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं और कोई भी जैसे टेक्निकल चीज़ें जो है वो खरीदते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग आता है ना प्लास्टिक का, ओके, तो वो फिल्म्स बनाने में, वायर बनाने में, इन सब चीज़ों में जो है इसको काम में लिया जाता है। ओके, लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर, तो आप अपने चारों तरफ जो ऐसी चीज़ें देखें जो पॉलिएस्टर से बनी हुई है। चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक जो है उसके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, उसके पहले अपन ने क्या पढ़ा, नायलॉन पढ़ा, कैसे बनाया जाता है नायलॉन। ओके, दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, नायलॉन जो है वो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ा, और उससे पहले जो है अपन रेयॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब ये फाइबर्स जो है सिंथेटिक है इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिएस्टर, थर्ड सिंथेटिक फाइबर इस बुक में दिया हुआ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन ये पहला टाइप हमने पढ़ा वो क्या था, टेरिलिन। ओके, टेरिलिन जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, ओके, ड्रेसेस जो है वो तैयार करी जाती हैं, इसको इसके धागे जो हैं वो बनाए जा सकते हैं और धागों को बुनाई करी जा सकती है, जैसे नॉर्मल हम कॉटन का बुनाई करते हैं वैसे ही। दूसरा जो इसके बारे में पढ़ा वो क्या था, दूसरा पॉलिएस्टर का टाइप वो था पीईटी, ओके, पॉलीएथिलीन टेरेप्थैलेट। ओके, तो इनके यूजेस पढ़ लिए, जैसे पीईटी जो है इसको यूज किया जाता है बोटल्स वगैरह बनाने के लिए, बोटल जो है वो जार जो है उनको बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ओके, तो चलते हैं आगे। ये जो है पेज नंबर 35 है। ओके, पॉलीएस्टर जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड एस्टर, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर, जो किससे बनाया जाता है, एस्टर से। किससे बनाया जाता है, एक केमिकल है एस्टर, और मैं एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ पोली, पोली वर्ड का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। ओके, तो बहुत सारे क्या, एस्टर, बहुत सारे एस्टर, एस्टर जुड़ गए, बहुत सारे एस्टर मोनोमर जुड़ गए, मोनोमर पॉलीमर की डिटेल हम कर चुके हैं, बहुत सारे एस्टर जो है वो जुड़कर ऐसे कंबाइन होकर वो क्या बनाते हैं, पॉलिएस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलिएस्टर, मतलब इसका छोटा यूनिट क्या होता है पॉलिएस्टर का, एस्टर। क्या होता है, एस्टर, पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत सारे एस्टर को जोड़कर सीरीज बन जाती है, वो क्या बन जाता है, पॉलिएस्टर। क्या बन जाता है, पॉलिएस्टर। एस्टर्स आर केमिकल्स विच गिव फ्रूट फ्रूट्स देयर स्मेल, एस्टर्स अब फ्रूट के अंदर जो स्मेलिंग होती है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होती है, वो एस्टर्स की वजह से। फैब्रिक आर सोल्ड बाय द नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट, एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड अप बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। पॉलीकोट देखिए, दो इसमें देखिए, पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। देखिए नाम से समझते हैं इन चीज़ों को, देखिए जैसे यहाँ पर तीन वर्ड यूज हुए हैं, मैं नोट कर लेता हूँ पहले। पहला वर्ड यूज हुआ है पॉलीकोट, ये आपने नाम सुना होगा, मार्केट में ये कपड़े मिल जाएंगे आपको, पॉलीकोट फाइबर मिल जाएंगे आपको, कपड़े मिल जाएंगे, पॉलीवुल
और तीसरा वर्ड यूज हुआ है टेरी कोट। ओके, ये तीन फाइबर के नेम जो है वो यूज हुए हैं यहाँ पे। ध्यान से समझना है इस बातों को। पहला वर्ड ले लेते हैं पॉलीकोट। पॉली कोट, कोट क्या है? कॉटन। क्या है? कॉटन। पॉली क्या है? पॉलिएस्टर। ओके, तो पॉलिएस्टर प्लस कॉटन को अगर मिक्स कर दोगे तो क्या बनेगा? पॉलीकोट बनेगा, जिसके अंदर दोनों का प्रॉपर्टी होगा, कॉटन का प्रॉपर्टी भी पॉलिएस्टर का। कॉटन मिक्स क्यों किया जी? कॉटन मिक्स इसलिए किया क्योंकि प्योर सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, इसलिए। जैसे पॉली वुल है तो इसमें क्या हुआ? पॉलिएस्टर, और पॉलिएस्टर में वुल क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या बन गया? पॉली वुल बन गया। और ऐसे ही टेरिकोट, टेरी मतलब टेरिलिन। टेरिलिन भी क्या है? टेरिलिन भी एक पॉलिएस्टर ही है। इसके अंदर कॉटन को ऐड कर दिया तो क्या बन गया? टेरिकोट बन गया। क्लियर? तो टू फाइबर को ऐसे मिक्स करके जो है नई वेराइटी तैयार करी जाती है, पॉलीकोट, पॉलीवुल एंड टेरिकोट। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि पॉलीकोट जो है वो किसका मिक्सचर है? पॉलिएस्टर। पॉली मतलब पॉलिएस्टर, कोट मतलब कॉटन, पॉलीवुल मिक्सचर है किसका? पॉलिएस्टर एंड वुल का। समझ गए आप? तो पॉलिएस्टर को इस तरह से मिक्स करके जो है बहुत तरह की वेराइटी के फाइबर्स, क्लॉथ्स जो है वो, ड्रेसेस जो है वो तैयार करी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, पॉलिएस्टर को। थैंक यू।